नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल सर एक बार फिर आपके सामने आया हूँ मेरा नया वीडियो लेकर के। सो लेट्स लर्न। ओके, लेट्स स्टार्ट। टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न टू वर्ड्स सेंटेंस विथ डोंट। दोस्तों, आज हम जो है दो शब्दों वाले वाक्य सीखेंगे डोंट के साथ। डोंट का यूज़ करके हम दो शब्दों वाले वाक्य सीखेंगे। पिछले वीडियो हमने टू वर्ड सेंटेंसेस सीखे थे विदाउट डोंट, जिसमें हमने डोंट का यूज़ नहीं किया था। आज हम जो सेंटेंस सीखने जा रहे हैं उसमें हम डोंट का यूज़ करके भी सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो, पूरा देखिए और कंटिन्यू देखते जाएँ मेरी हर एक वीडियो को। सीरियल से आप देखते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और बहुत जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लास्ट डे जो हमने वीडियो सीखी थी उसमें हमने टू वर्ड सेंटेंसेस के बारे में बात किया था। यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का लेसन है टू वर्ड्स सेंटेंस, टू वर्ड सेंटेंस विथ डोंट, टू वर्ड सेंटेंस विथ डोंट। डोंट का यूज करके हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अब देखिए डोंट का क्या यूज होता है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए डोंट के कई यूज होते हैं, अगर आज हम इस वीडियो में सीखेंगे तो डोंट का यूज टू वर्ड सेंटेंस के साथ किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से करते हैं। यूज़ किया था और फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया था। ठीक उसी तरह से आज का भी वीडियो है, क्योंकि टू वर्ड सेंटेंस आज भी बना रहे हैं हम, लेकिन डोंट के साथ बना रहे हैं। तो थोड़ा सा चेंजेस होगा, वो देख लेते हैं क्या चेंजेस है। तो सबसे पहले हमको डोंट का ही यूज़ करना है। ओके, उसके बाद फिर हमको वर्ब का यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। दोस्तों, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें वर्ब से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं, कैसे फॉर्म्स चेंज होती हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से कब हमको किस वर्ब का यूज़ करना चाहिए। चलिए, तो फार्मूला हमारा आज तैयार हो गया है। आज का फार्मूला आज के वीडियो के लिए डोंट का यूज़ करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद वर्ब का यूज़ करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए अब हम एक सेंटेंस बना करके देख लेते हैं। तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, तो हमारा आज का सेंटेंस देखिए क्या है। चलिए हम सबसे पहले हम हिंदी सेंटेंस ले लेते हैं। तो देखिए नंबर वन हमारे लिए पहला वर्ड आज हो जाएगा डोंट, जिसका यूज़ करना ही करना है डोंट। सेकंड में हमको सेंटेंस में जो आने वाली वर्ब है उसका यूज़ करना है, और थर्ड में हमको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, यानी ऑब्जेक्ट को हमको लास्ट में लिखना है। पहले डोंट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का यूज़ करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो नंबर वन पर डोंट आ जाएगा। चलिए अब देखिए हिंदी सेंटेंस को समझिए। ये तो हमने पहली कल पढ़ा था खाना खाओ, लेकिन आज हम चूँकि डोंट का यूज़ कर रहे हैं तो देखिए एक नया शब्द मिल गया हमको मत। तो खाना मत खाओ, आज हमको ये हिंदी शब्द मिला हुआ है। ठीक है, हिंदी का ये वाक्य है, तीन शब्द हैं जिसमें खाना मत खाओ, और इंग्लिश में हम देख लेंगे डोंट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी टू वर्ड्स विथ डोंट का यूज़ करके। अब देखिए इसका हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको बनाना है कि खाना खाओ, मत को भी ड्रॉप कर देते हैं, अभी छोड़ देते हैं। खाना खाओ तो पिछली वीडियो के हिसाब से हम बना लेंगे ईट फूड। अब जो मत नया शब्द जो लगा हुआ है, देखिए मत यानी खाना मत खाओ, तो मना करने वाली जो बात है उधर पर हम यूज़ करेंगे किसका, डोंट का यूज़ करेंगे। तो ईट हो गई वर्ब, यानी टू और थ्री वर्ड्स तो लिख लिए हमने, अब हमको लिखना है डोंट। तो मत के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे डोंट, इस तरह से। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा डोंट ईट फूड, डोंट ईट
फूड। तो नंबर वन पे हमने लिख लिया डोंट, सेकेंड पे लिख लिया वर्ब ईट और थर्ड पे हमने लिख लिया ऑब्जेक्ट फूड। तो सेंटेंस टोटल हो गया पूरा डोंट ईट फूड, खाना मत खाओ, ईट यहाँ पे वर्ब है। ओके इस तरह से हमने सेंटेंस बनाना सीखा। चलिए देख लेते हैं और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम टू वर्ड सेंटेंस विद डोंट। कुछ और सेंटेंसेस लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम फार्मूला सामने लिखेंगे क्योंकि फार्मूला ये अभी तो आप देख करके इसको बना सकते हैं सेंटेंस, बट अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग सुधारनी है, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी अच्छी करनी है, तो इन सारे फार्मूलाज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। दिमाग में रखने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट आपको डोंट पहले बोलना है, वर्ब का यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लेना है। कब करना है ये सब? जब हम किसी काम को ना करने के लिए बोलते हैं। ओके सो लेट्स सी द एग्जांपल देख लेते हैं और उसी तरह से फिर आपको सेंटेंसेस बनाना होगा। ठीक है तो लुक एट द एग्जांपल। पानी, ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं पानी पियो, पानी पियो। पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, पानी पियो इसका इंग्लिश क्या होगा? पहले हमको वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा ड्रिंक, यानी पीना, ड्रिंक वाटर, पानी पियो। अगर इसी में हम कहें कि पानी मत पियो, टू वर्ड्स हो गए, थ्री विद डोंट, डोंट का यूज़ करना तो मत लगाना पड़े हिंदी में, तो पानी मत पियो तो मत के लिए हम क्या लगा देंगे? डोंट, यानी डोंट ड्रिंक वाटर, पानी मत पियो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। घर जाओ, घर जाओ, जाओ मतलब गो, गो यहाँ पे क्रिया हो गई, तो गो टू होम, गो टू होम, घर जाओ। चलिए देखिए टू का हमने लास्ट डे यूज़ किया था कि टू का यूज़ कब करते हैं? टू और फ्रॉम दो प्रीपोजिशंस होती हैं, टू किसी की ओर यानी घर की तरफ आने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए टू का यूज़ करेंगे, और अगर हम घर से आने की बात करते कि घर से आओ तो हम वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्रॉम का मतलब होता है से, की तरफ से, और टू की ओर यानी की ओर। ठीक है चलिए अब हम इसमें लिख देते हैं मत, घर मत आओ। पहले हमने सेंटेंस बनाया घर आओ तो गो टू होम, ओके घर जाओ, ओके अब हम घर मत जाओ तो इसमें हम यूज़ कर लेंगे डोंट, डोंट गो टू होम। बहुत ही आसान सेंटेंस, आप इनको समझ रहे होंगे। चलिए एक और सेंटेंस, एक और एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी इस सेंटेंस का यूज़ किया था, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। बुलाने के लिए हमने कल कौन सी वर्ब का यूज़ किया था? याद होगा कॉल, ओके तो हम उसे बुलाओ यानी कॉल हिम, हिम उसे के लिए यूज़ किया कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हिम हम यहाँ पे बॉय के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर लड़की होती तो किसका यूज़ करते? बिल्कुल सही, हर का यूज़ करते, ओके तो उसे बुलाओ कॉल हिम। अब चूँकि मत का यूज़ कर लिया हमने तो डोंट कॉल हिम, इस तरह से सेंटेंसेस हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए डोंट कॉल हिम, उसे मत बुलाओ, कॉल हिम उसे बुलाओ। देखिए पानी मत पियो, पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर, डोंट ड्रिंक वाटर। चलिए आगे देख लेते हैं। घर मत जाओ, डोंट गो टू होम, घर मत जाओ। डोंट कॉल हिम, उसे मत बुलाओ। इस तरह से हमने आज तीन सेंटेंसेस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना सीखा हिंदी और इंग्लिश में किस तरह से होता है। चलिए अब आज हम कुछ आपको और सेंटेंसेस देते हैं, कुछ हिंदी सेंटेंसेस लिखते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। पानी मत लाओ, ये भी हमने लास्ट सीखा था कि लाने को क्या वर्ब, लाने की क्या वर्ब होती है, लाने को क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसकी वर्ब आपको पता होगी। चलिए तो ये आप इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे, हम यहाँ पे हिंदी सेंटेंस लिख देते हैं। पहला सेंटेंस है आपका पानी मत लाओ, ओके। नंबर टू सेंटेंस देख लेते हैं, इसकी इंग्लिश आपको बनानी है ना, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपने बना ली हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए और उसकी क्लिप
सेंड करिएगा, ओके, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस था, देखिए, यहाँ मत आओ, इसका भी आपको इंग्लिश बनाना है। चलिए थर्ड सेंटेंस ले लेते हैं, आज का हमारा थर्ड सेंटेंस है, चलिए थर्ड सेंटेंस हम ले लेते हैं, मेरा पेन मत रखो। ओके, तो आज का ये हमारा तीसरा सेंटेंस हुआ। एक सेंटेंस और लगा ले, इसका भी इंग्लिश आपको बनाना है। ये चारों सेंटेंसेस जो हम दे रहे हैं आज, इन चारों सेंटेंसेस का आपको इंग्लिश बनाना है। ओके, उम्मीद है आपको बन जाएगा। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, बस आपको वर्ब ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है और सही जगह पर सही करेक्ट फॉर्म में यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं, मुझे मत छुओ, मतलब मुझे स्पर्श मत करो। ठीक है, तो इसका आप देख लीजिएगा वर्ब्स क्या है। आपको यदि वर्ब और ऑब्जेक्ट कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, तो बस आपसे इंग्लिश बोलना आ गई। उम्मीद है कि आपका आज ये दूसरा दिन है आज की ये रेगुलर वीडियो में जिसमें हम फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी लास्ट वीडियोस में तो हमने सेंटेंसेस बने बनाए आपको दिए थे, आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी है, लेकिन इसमें आपको डिपेंडेंट नहीं होंगे आप, इससे आप स्वयं के खुद के सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए, तो वो आपको हमने होमवर्क दे दिया, चार सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अब वन मोर थिंग, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन ही मुझे इंस्पायर करते हैं मेरी नई वीडियो अच्छे से अच्छा बनाने के लिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा, पसंद किया और सब्सक्राइब भी किया आप लोगों ने। कंटिन्यू इसको सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी करवाइए डेली। आप ये सोच लीजिए कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो 5 से 10 लोगों से सब्सक्राइब तो डेली कराना ही कराना है। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक इट, अगर अच्छा लगे तब। ठीक है, क्लिक ऑन बेल आइकन, जी हाँ, बाजू में घंटी का निशान बना होगा तो उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे, यानी जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती है। सो क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे ट्राई किया है बेल आइकन बनाने के लिए, हालांकि मुझसे उतना अच्छे से आया नहीं, बट यू नो ट्राई टू अंडरस्टैंड माय फीलिंग। अच्छी बात है, नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और औरों से भी सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। ठीक है, थैंक यू, ताकि मैं ऐसी वीडियो और अच्छे से अच्छे तरीके से बनाता रहूं और आप तक पहुंचाता रहूं। ओके, थैंक्स अगेन। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, एक और चीज़ जो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, रियली आई वॉन्ट टू टेल यू विच वॉज द सीक्रेट ऑफ माई इम्प्रूविंग इंग्लिश, यू नो, कि जिस तरह से मैंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की है, क्योंकि मैं भी आपके जैसे ही था पहले। ओके, तो वो मेन चीज़ है, मुख्य चीज़ है कि आपको डेली लर्न एटलीस्ट 10 वर्ब्स एंड 10 वर्ड्स वर्ड मीनिंग्स डेली। ओके, लर्न एटलीस्ट 10 वर्ब्स एंड 10 न्यू वर्ड्स 10 न्यू वर्ड्स
हिंदी टू इंग्लिश और विच इज़ योर लैंग्वेज, ओके, डेली, ये आपको डेली करना ही करना है, ये आप सीक्रेट है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, अच्छी इंग्लिश बोलना सीखना है, तो आपको ये करना ही होगा डेली 10 वर्ब्स। मोस्टली तो आपको आती हैं, जो नहीं आती हैं, जो डेली यूजेबल वाली जो वर्ब्स हैं, अगर वो आपको नहीं आती हैं, तो आप उनको तुरंत डिक्शनरी में जाइए, गूगल का यूज़ कीजिए और यू कैन लर्न 10 वर्ब्स एंड 10 न्यू वर्ड्स। हाँ, अगर आपको कहीं नहीं मिल रही है तो प्लीज़ मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊँगा। प्लीज़ कमेंट व्हाट यू लर्न टुडे, मुझे कमेंट जरूर करिए कि आज की वीडियो देखने के बाद आपने कौन सी नए 10 वर्ब्स और 10 नई वर्ड्स सीखे हैं, और ये डेली आपको देखें, और समझ में अगर आए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।